लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत का दावा करने वाली करनाल की इंटरनल रिपोर्ट में हॉट सीट रोहतक और सिरसा में सबसे टफ फाइट सामने आई है। यह खुलासा भाजपा के लोकसभा प्रभारियों की रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट हरियाणा चुनावी दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने साथ दिल्ली लेकर गए हैं। रिपोर्ट में अन्य 8 लोकसभा क्षेत्रों में भी आसान जीत नहीं बताई गई है। इन 8 सीटों के 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की कमजोर स्थिति बताई गई है। मसलन शहरी क्षेत्र में भाजपा की स्थिति बेहतर है तो ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध दिख रहा है। जाट बाहुल्य इलाकों में लोकसभा प्रभारियों की रिपोर्ट बेहद खराब बताई गई है। प्रभारियों की रिपोर्ट समझने के बाद पार्टी नड्डा के अगले 15 दिन में आम लोगों से जनसंपर्क बढ़ाने और मतदाताओं से डोर टू डोर करने के लिए टोली बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नड्डा ने कहा कि राम मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए अन्य कार्यों के बारे में जनता को समझाने के साथ ही कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों के बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा जेपी नड्डा ने नाराज होकर बैठे नेताओं की चुनाव प्रचार से दूरी की गंभीरता से लिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का चुनाव है, इसलिए ऐसे नेताओं पर नजर रखिए। उम्मीदवार हारे या जीते लोकसभा चुनाव के बाद उन पर कार्रवाई होगी। प्रभारियों की रिपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार प्रभारी और मुख्यमंत्री के साथ अलग से चर्चा की और मौजूदा स्थिति की ओर बेहतर बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में पीएम मोदी की रैलियों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें लोकसभा प्रभारियों ने कमजोर व फंसी हुई सीटों पर रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कराने का आग्रह किया। वहीं अमित शाह, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभाओं को लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में पंचकुला के राष्ट्रीय मुख्यालय पंचकमल में हुई लोकसभा प्रभारी संयोजकों व क्लस्टर इंचार्जों की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य तौर से मौजूद थे। इस बैठक में सभी 10 लोकसभा क्षेत्र की 90 विधानसभाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष ने लोकसभा सभी नेताओं की वास्तु स्थिति समझी, जिसमें शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्थिति बताई गई। उन्होंने प्रदेश के सभी नेताओं से गाँव को साधने की हिदायत दी है। हम आपको ये भी बता दें कि रोहतक और सिरसा सीट को ज़्यादा हॉट सीट बताई गई है। बीजेपी नेताओं ने सिरसा और रोहतक वाली सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी है उनकी रैली करने के हिदायत की दी है, अपील की है, और उनको लेकर जयप्रकाश नड्डा रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।